सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ एक दो बेलों की कथा। हम पूर्व में भी इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, अब हम आज उससे आगे का विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ेंगे। अरे ये क्या, कोई सांड डोंगता चला आ रहा है, अर्थात कि जोर जोर से आवाज़ें करता वरता चिल्लाता हुआ चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, अर्थात इधर उधर देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, अर्थात कि सांड जो है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। उससे भिड़ना अर्थात यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, मोती ने मूक भाषा में कहा, अर्थात बिना बोले स्वर में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, अर्थात हम जो निवेदन करेंगे उससे वो नहीं हमारी बात को मानेगा। भाग क्यों न चलें, भागना कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, अर्थात मैं आगे से मारता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, अर्थात तुम पीछे से मारो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, सांड को लपकना था उसकी तरफ झपटे, उसकी तरफ दौड़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, संगठित मतलब कि दोनों को एक साथ लड़ाई करे ऐसा उसको तजुर्बा यानी कि उसको ऐसा अभ्यास नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदि था, अर्थात तो एक से ही लड़ने का आदि था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, अर्थात खुशी के मारे उछलते कूदते जाते हैं। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, अर्थात संकेत इशारों में समझाया, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे टुकड़े, ग्रास अर्थात टुकड़े, कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर अर्थात जो पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है नाखूनों वाला, उसके जो खुर थे वो कीचड़ में धंसने लगे, अर्थात अंदर जाने लगे, वो भाग न सका। पकड़ लिया, हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, अर्थात कि साबिका मतलब कि अफसोस हुआ उनको, और ऐसा असर पड़ा कि सबक, साबिका यानी कि सबक मिला।
कि दिन भर वो उसमें बीत गया लेकिन खाने को उनको एक दिन का भी न मिला। समझ में ही न आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कहीं भैंसे थी, कहीं बकरियाँ, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब भी कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, अर्थात विद्रोह की ज्वाला अर्थात कि उनके अंदर गुस्से की तीव्र आग बबक उठी अर्थात कि जल उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ न होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया, अर्थात एक छोटा टुकड़ा। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन अर्थात गंवारपन देखकर उसने उससे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने भूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं, देह अर्थात शरीर। दो चार दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तोला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ाई कर रहा है। आखिर कोई दो घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गरना था कि अधमरे मतलब आधा मरा हुआ घायल जो पड़े हुए थे सभी जानवर चेत अर्थात कि एकदम से उनमें सुध आ गई और हाथ पैरों से खड़े हुए और वो सभी वहाँ से भाग निकले। जैसे कि तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक झोंके त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या रजे, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी थक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम क्या मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति अर्थात समस्या में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को
सिंगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधुओं के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तो अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। तब सब तरफ पशुओं को ढूंढा जा रहा था, पशु भाग गए, ये सबकी काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। बस इतना ही काफ़ी नहीं है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तरण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली घोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेबड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा फागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। हाँ, इस रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वही खेत वही भाग वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर हम फुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, अर्थात कि पास में आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से मागे न जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारी थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आया। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारी थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था, दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, अर्थात के वहाँ से नीलामी करके लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूँगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या हकतियार है, जाकर थाने में रपट करा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबल से पकड़ ले जाने लगा, तो उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा।
मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अखड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दें। मर जाऊँगा पर इसके काम तो ना आऊँगा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर और धाना दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। हमारा पाठ आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद भैया बहनों।